गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। सुबह हो चुका है और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। आज 2:30 बजे हस्बैंड के फ्लाइट है, तो जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना पड़ेगा। हर्षिता को खिलाना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने पूछा था कि वो बोल रहा था 12 बजे जाएंगे, आज सुबह बोला कि 11 बजे जाएंगे। 11 बजे से पहले मुझे सारा रेडी करना है, तो ब्रेकफास्ट के लिए कल मैंने सारा डोसा और चटनी मैंने रेडी करके रखा था बैटर, तो आज जल्दी जल्दी सिर्फ डोसा ही बनाऊंगी। जल्दी हो जाएगा डोसा। इधर मैंने चटनी कल सारा रेडी किया था, रात को रेडी करके सोई थी क्योंकि मुझे पता था टाइम नहीं मिलेगा। इधर मैंने हर्षिता चाय बिठा दिया, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, डोसा चाय भी हो रहा है, और हस्बैंड के लिए तो हो गया, अभी हम मेरे लिए भी बना रही हूँ एक शादी। हर्षिता बेड का क्या हाल किया है, रात को 9 बज चुका है अभी तक नहीं उठा है, और उठते ही मतलब उसके पापा पैकिंग कर रहा था तो वो आके पूरा, और मैं जल्दी जल्दी चावल बिठा, चावल हो गया मेरा, ऑमलेट, दाल, और इधर मैंने आलू और ये क्या, मेरे लैंग्वेज में तो असम में ये फात केरेला बोलता है, बाकी मुझे नहीं मालूम हिंदी में क्या बोलता है, और ये दाल बनाया सिंपली। सुबह इतने जल्दी जल्दी नहीं होगा, टाइम नहीं मिला था, फिर खाना बना खा के हर्षिता के पापा रेडी हो गए थे और हर्षिता जाने के लिए रेडी। हर्षिता सो ही नहीं रहा था पापा के पीछे, आपके घर में भी ऐसा होते होंगे कि आपके मतलब बच्चे अगर कोई भी अगर बाहर जाने के पता चलता है बच्चे को तो उसका पीछा नहीं छोड़ता है, पता नहीं क्या मजा आता है। पापा बाय दी, पापा बाय दी, पापा बाय, पापा आहिब आहिब पापा आहिब, एदि पापा खेला बस्तु आनिब ना, पापा चॉकलेट आनिब, चॉकलेट चॉकलेट हा चॉकलेट 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 आनिस, पापा भाई। हेलो, आई हेलो टीटी टीटी नो ले बी बाय बाय बाय, पापा जाने के बाद हर्षिता थोड़ा सा रोए थे, तंग किया था, फिर वो रो रहा था तो मैं सोचा थोड़ा सा दाल चावल उसको दे दिए, दे के काम वाम किया,
फिर देख सकते हो क्या हाल बनाया है। अभी शाम हो चुके हैं, सो के उठा है, उठ के ये सब कर रहा है। पापा कुछ अभी मैं बेटी हर्षिता को लेके मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लेके चली थी। पापा ड्यूटी, मां पापा ड्यूटी, पापा ड्यूटी। डेली हर्षिता को पापा सिखाता है उसके आके शू खुद ही उतार के कहाँ रखना चाहिए। और अभी ये थोड़ा सा मतलब हस्बैंड ने मुझे ब्लॉग वीडियो भेजा था, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा उधर का नज़ारा। ये फ्लाइट लैंड के टाइमिंग का है, बोल रहा था कि पहुँच गए बेंगलोर, तो उधर से दूसरा फ्लाइट है थोड़ी देर में, तो वही दिखा दिया। तो मैं देख रही थी उसके साथ, आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाया, बुरा मत मानिएगा, ऐसे ही घर बैठे बैठे थोड़ा सा घूम, हमने भी हस्बैंड के साथ घूम लेती हूँ सोचा, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा लेती हूँ। साउंड ज़्यादा हो रहा था क्योंकि टेकअप लैंडिंग और टेकअप के टाइम पे बहुत ज़्यादा साउंड होता है, तो मैंने इसलिए कट कर दिया। जाने का तो मन था लेकिन बच्चे की वजह से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगले बार जाऊंगी। अभी जाते हुए सिर्फ थोड़ी ही टाइम हो गया है, ज्यादा दिन से 7 घंटा ही हो गया है। अभी से हर्षिता पापा की डिमांड करने लगा है, पता नहीं बाकी के कैसे करूंगी। थोड़ा सा उदास भी है, पूरा पार्क वगैरह कहीं कहाँ ढूंढा, पापा नहीं मिला आज उसको। सो वही बच्चे को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। मम्मी भी बोला था क्या कुछ दिन ये मतलब जब तक हस्बैंड नहीं आते तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब दुलार करना पड़ेगा, डांटना मत, क्या करें, ड्यूटी है, जाना तो पड़ेगा ही। और हस्बैंड ने थोड़ा सा क्लिक भेजा था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मेरे साथ मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया, मतलब बेंगलोर में तो मैं गई थी लेकिन रात को गई थी तो फिर नज़ारा नहीं दिखा था, तो वही आप लोगों को लिए हस्बैंड ने मुझे देखने के लिए भेजा हम दोनों को, लेकिन हमने आप लोगों को हमने भी देखूंगी और मतलब ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं भी देखूंगी। मैं तो नहीं जा पाई, घर बैठे बैठे हम लोग उधर का दर्शन कर देंगे, हस्बैंड के साथ घूमेंगे। चलो ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कमेंट। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू, बाय मामा, बाय। तो बाय।